सूर्य स्तंभ था, ध्रुव स्तंभ था या विष्णु स्तंभ था, ये तीनों नाम उसके लिए आते हैं। आपकी स्क्रीन पर दिख रही इन तस्वीरों में सिर्फ कागज पर लिखे हुए कुछ शब्द नहीं है, बल्कि ये वो सबूत है जो इतिहास के आधे अधूरे सच को पूरा करेंगे। ये कागज साल 1872 की उस सर्वे रिपोर्ट के हैं जो तत्कालीन ASI के अधिकारी JD बिगलर ने किया था। वो सर्वे जिसमें दावा किया गया है कि कुतुब मीनार दरअसल सम्राट अशोक के समय से भी पहले की है। ASI के पूर्व अधिकारी और भारत सरकार की इतिहास पर शोध करने वाली सबसे बड़ी संस्था ICHR के निदेशक के अलावा सैकड़ों वर्ष पहले भी कुतुब मीनार के इतिहास पर सवालिया निशान खड़े हुए थे, जब अंग्रेज अधिकारी JD बेगलर ने 1871 और 1872 तक कुतुब मीनार में किए गए अपने सर्वेक्षण के बाद ये दावा करा था कि कुतुब मीनार एक हिंदू इमारत है। इसके अलावा ASI के पूर्व अधिकारी JD बेगलर ने यह भी दावा करा था कि कुतुब मीनार का निर्माण भारत में सल्तनत काल आने से पहले हो चुका था। कुतुब मीनार के बाएं ओर पर बने प्रवेश द्वार पर हिंदी अक्षरों में बकायदे 259 लिखा है और कुतुब मीनार पर मौजूद कुछ शिल्पकृतियां सम्राट अशोक के भी समय से पहले के हैं। इन शिल्पकृतियों से ये साबित होता है कि मीनार गुप्त काल से भी पहले बनवाई गई थी। रिपोर्ट में कुतुब मीनार पर मौजूद घंटी, कमल, त्रिभुजक निशान मिलने और खजुराहो मंदिर जैसी कारीगरी के सबूत मिलने का दावा है। अरबी के निशानों को देखकर लगता है कि कुतुब मीनार के पत्थरों को गहराई से काटने के बाद इन्हें लगाया गया हो।